नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं YouTube चैनल राजपूत टेक्निकल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि LED बल्ब के अंदर जो LEDs लगी होती हैं उन्हें किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 LED बल्ब रखे हुए हैं और जिनमें से 2 LED बल्ब खराब हैं और एक बिल्कुल ओके है। इसके लिए हमें एक डिजिटल मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी चेक करने के लिए। तो एक एक करके हम सभी LED बल्ब को ओपन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्रॉम्पटन का LED बल्ब है और ये 9 वॉट का LED बल्ब है। ये खराब हो चुका है, बट इसकी LED हम चेक करके देख लेते हैं कि इसमें LED से प्रॉब्लम है या इंटरनल प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में हम आपको LED को चेक करना बताने वाले हैं डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से। तो हम सभी को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा लोकल LED बल्ब है 3 वॉट का। ये वाला भी हमारा लोकल LED बल्ब है, ये भी 3 वॉट का है। ये हमने इन सभी को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर में जो पार्ट्स है इसे हम LED बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड कहलाता है। ये SMD कंपोनेंट है, इन्हें हमें चेक करके देखना है। सभी में लगे हुए हैं, देखिए आप, ये इनका साइज थोड़ा बड़ा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी LED बल्ब लगे हुए हैं। ये चिप कंपोनेंट है, SMD कंपोनेंट भी बोलते हैं इनको। तो इनको हम एक एक करके डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा चेक करके आपको बताने वाले हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले डिजिटल मल्टीमीटर को बजर या डायोड रेंज में इसको नॉब को हम सेट कर लेते हैं। अब हम एक एक करके आपको LEDs को चेक करके बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से इसको अब हम LED के ऊपर दोनों टर्मिनल पे रेड और ब्लैक डॉट को हम रखते हैं। ये ब्लैक वाली नेगेटिव प्रॉड होती है, रेड वाली पॉजिटिव प्रॉड होती है। तो हम जो LED है उनके एनोड कैथोड जो टर्मिनल है वहाँ पे हम एक एक प्रॉड को रख के देखेंगे। आप देख सकते हैं ये LED ग्लो कर रही है। इसका जो ये वाला सिरा है ये एनोड है और ये वाला सिरा है कैथोड है। एनोड पे जब हम पॉजिटिव प्रॉड रखते हैं और कैथोड पे नेगेटिव प्रॉड रखते हैं तो LED को ग्लो करना चाहिए। तो ये LED हमारी बिल्कुल ओके है। अभी सभी LED को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखते हैं। आप देख सकते हैं ये सभी LEDs हमारी ग्लो कर रही हैं। ये देखिए आप, ये सभी सीरीज में कनेक्ट हैं। ये आप देख सकते हैं ग्लो कर रही है। ये वाली LED थोड़ा डिम ग्लो कर रही है, ये देखिए इसके कंपेरेटिवली ये थोड़ा वीक हो गई है। अब दूसरी साइड के भी हम चेक करते हैं इनको, इस तरीके से हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं ये हमारी LEDs ग्लो कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी सभी LEDs ग्लो कर रही है। एक LED थोड़ा डिम ग्लो कर रही है, वो वीक हो गई है, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। इस ये जो LED बल्ब है इसकी LEDs सभी ओके हैं। एक थोड़ा डिम कर रही है, वीक है, बट इसमें ये ऑन नहीं हो रहा है, इसमें इंटरनल प्रॉब्लम है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करना बताएंगे। अब दूसरे लोकल LED बल्ब जो 3 वाट का है, अब उसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो LEDs लगी हुई हैं इनमें आपको यहाँ पे कुछ डार्क स्पॉट्स से दिखाई दे रहे होंगे। सभी LEDs में लगभग ये डार्क स्पॉट दिख रहे हैं। ये LED एक्चुअल में खराब हो चुकी हैं। हम चेक करके भी आपको दिखा देते हैं, ये ग्लो नहीं करेंगी। आप देख सकते हैं इनमें कुछ नंबर्स आ रहे हैं मीटर में, और ये आप दोनों साइड से चेक करेंगे तो दोनों साइड से आपको ये नंबर शो करेगा। ये देखिए, बट ये ग्लो नहीं कर रही हैं।
ये किसी भी डायरेक्शन में ये ग्लो नहीं करेंगी। ये देखिए ये सब खराब हो चुकी हैं, ये देखिए ये आप देख सकते हैं सभी में नंबर्स शो हो रहे हैं और ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही हैं। दोनों साइड से आपको बता देते हैं, ये देखिए अब एनोड कैथोड चेंज करके हम बता रहे हैं आपको, दोनों साइड से नंबर आ रहे हैं इसमें बट एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। एक दूसरा 3 वॉट का एलईडी बल्ब है, इसमें हम देख लेते हैं ये ग्लो कर रही है कि नहीं। ये बिल्कुल ओके एलईडी बल्ब है, देखिए ये एलईडी ग्लो कर रही है, ये देखिए, ये देखिए ये भी ग्लो कर रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी एलईडीज ग्लो कर रही हैं। ये हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल ओके है, ये अपोजिट रॉड रखने पर ये ग्लो नहीं करेगी, ये आप देख सकते हैं। बट सही डायरेक्शन में आप रखेंगे रॉड तो ये ग्लो करेगी। जो एलईडी का जो एनोड सिरा है वहां पे आप पॉजिटिव रॉड और जो कैथोड सिरा है वहां पे आप नेगेटिव रॉड रखेंगे तो एलईडी ग्लो करेगी। यदि एलईडी वीक होगी तो उसमें लाइट कम आएगी, या एलईडी ओपन होगी तो बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगी, और एलईडी यदि शॉर्ट होगी तो तब भी वो ग्लो नहीं करेगी और दोनों साइड से कुछ ना कुछ नंबर्स आएंगे, वैल्यू आएगी। ये आप देख सकते हैं नंबर्स आ रहे हैं इनमें, ये शॉर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे किस प्रकार से एलईडी बल्ब की जो एलईडीज होती हैं उन्हें हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पर एसएमडी एलईडीज को हमने इस वीडियो में चेक करना आपको बताया, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।